जैन साथियों, रिटायर्ड हवलदार हरिशंकर शर्मा डिफेंस एकेडमी भरतपुर, आप देख पा रहे हैं लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में यहाँ प्रेजेंट है और कल हमारी एक ऐतिहासिक ट्रायल है 1600 मीटर की भर्ती से पहले। ये बच्चे बैठे हैं जो टोटल एग्जाम पास है और इनकी कभी आपने ऐसी ट्रायल, ऐसी रनिंग कभी देखी नहीं होगी। 1600 मीटर टाइमिंग आपने सुना होगा, वीडियो पर प्रूफ सामने, आपको ऑनलाइन सुबह मॉर्निंग 5 बजे आ जाना जिस भाई को देखनी हो 1600 मीटर की रनिंग की ट्रायल। सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। फौजी बनना है, यस सर। बॉर्डर पे जाना है, यस सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो आज मैं देखा जो यहाँ के कोच सर हैं, वो स्पोर्ट्स से हैं और वो उनकी उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई सर? मेरी 40 साल प्लस हो गया, 41 साल चल रहा हूँ। 40 साल हो गए और इन बच्चों के साथ दौड़ पा रहे हैं। मैं तो आज तक नहीं देखा किसी भी एकेडमी में कहीं भी कोच बच्चों के साथ नहीं दौड़ता, लेकिन ये सर बच्चों के साथ दौड़ते हैं, मतलब 40 साल की उम्र में। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कल तो यहाँ का ट्रायल है, ऐतिहासिक ट्रायल, जानदार शानदार जिंदाबाद। अगर कल आपको लाइव देखना है ट्रायल की, यहाँ के बच्चे कैसे दौड़ते हैं, तो कल 5 बजे सुबह लाइव आ जाना। मैं लाइव पे आऊंगा और आप लोग जरूर वहां पे आना और आप लोग देखना कि कैसे यहाँ के बच्चे दौड़ते हैं, एकदम घोड़ा है घोड़ा। तो सर के पास बहुत सारे गोल्ड हैं, सर ने गोल्ड दिया भारत को। सो पूछूंगा सर से कि सर कौन कौन से बैच में कब दिया आपने? मैं देश की सेवा करके आया हूँ 20 साल, 20 ईयर्स, और मैं 2006 से लेके 2019 तक गोल्ड है, सिल्वर है, पर 2006 में भी गोल्ड दिया और 2019 में भी मैंने गोल्ड दिया विशाखापट्टनम। उसके बाद मैंने संन्यास लिया, उसके बाद मैंने ये बच्चों के लिए ट्रायल, मतलब एक तैयार फौज तैयार करी, जिसमें 39 बच्चों ने पिछली वर्दी पहनी पिछली भर्ती में, और अब की बार 50 प्लस वर्दी पहनेंगे। आप देख लेना इसी वीडियो के माध्यम से और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे वर्दी पहने, किस तरह तैयार होंगे साथियों। तो सर का जो जोश जुनून जज्बा वो बच्चों के ऊपर कायम है और बच्चे भी वैसे इफेक्ट कर पा रहे हैं जैसा कि सर उनको बता रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बच्चों से पूछूंगा कि यहाँ पे मेहनत कैसे होती है। दौड़ क्या बेटा, कहाँ से आए हो? धौलपुर पसीडा। इससे पहले कहीं ट्रेनिंग की? नहीं की, गांव में जाते थे, गांव में 20 लड़कों में फर्स्ट आते थे, ऐसा लगता था कि हम ही राजा भोज है, लेकिन यहाँ आके हम 200 लड़कों के बैच में बजे तो यहाँ पता चला कि हम गंगो तेली भी नहीं है, और गांव में हमको लगता था कि हम ही राजा भोज हैं। इसलिए मेरे गांव के दोस्तों और भाइयों से निवेदन है कि 20 लड़कों में राजा भोज बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन यहाँ आके देखो एक बार भरतपुर डिफेंस एकेडमी में, आपको यहाँ आके पता चलेगा कि आप राजा भोज हैं या गंगो तेली, क्योंकि गांव में हर कोई 20 लड़कों में फर्स्ट आकर सिकंदर बन जाता है, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है। वहाँ पे कितने नंबर में आते थे? गाँव में मैं फर्स्ट आता था, और यहाँ पे? यहाँ पे तो लास्ट से सेकंड आ रहा हूँ। लास्ट से सेकंड आ रहे हो, अब कैसी मेहनत है? अब ऐसा लग, जब मैं गांव से आया तो मेरे को कोई, पहली बार मैं इस ग्राउंड में भागा तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं भर्ती नहीं मार पाऊंगा, लेकिन यहाँ अब मैंने तैयारी करके कोच साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर अब मेरे को विश्वास हो गया कि मैं 100% फिजिकल पास कर लूंगा। भारत माता की जय। साथियों, आपने देखा इस बच्चे की जुबानी, ये जब बच्चा आया था ये धौलपुर का, इसने एग्जाम की तैयारी मेरे पास करी और फिजिकल की मेरे पास कर पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा, आज ये भर्ती में 100% सिलेक्शन होगा। साथियों, आपने इसको बाई फेस देखा होगा और आपको मैं 2 महीने के बाद जोनिंग जब इसकी आएगी, जब भी आप इसको देख लेना साथियों। और हमारे भरतपुर में ऐसा भी ट्रेनिंग होता है जिसके पिताजी नहीं है, जो घर से पैसे नहीं दे पाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पिताजी नहीं है? आपसे फीस लेके बेटा फटे जाओ, आप इसको पूछो कि इसके फादर नहीं है, इससे फीस ली या नहीं ली? आप बताओ बेटा, जोर से बोलो बेटा। नहीं ली सर। आपसे, आपने क्या बताया मेरे को? क्या बेटा, ये बच्चा मेरे पास आया, मैंने सीधा पूछा कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं? संजय पापा नहीं है। तो बेटा मैंने कहा आप फ्री, जब तक आप जोनिंग वर्दी ना पहन ले देश के लिए, तो आप जब तक फ्री कर पाओगे? बताओ बेटा क्या क्या कहा? यही बात थी ना? यही बात की थी सर, जब मैं यहाँ आया था जब। चलो ठीक है, पैसे नहीं लेते फीस? कुछ नहीं लेते सर, कुछ नहीं। अच्छे से फिजिकल कराते हैं? फिजिकल अच्छी है। कि इनके लिए एक शायरी हो जाए, जो बच्चे के पिता नहीं है और खुद से कैसे इफेक्ट करता है, खुद से कैसे पैसे लगा के कैसे क्या काम करके तैयारी करता है, कि सपने देखने से कोई ख्वाब नहीं पूरा होता, तस्वीरों में साथ खड़ा रहने वाला मुसीबतों में साथ नहीं देता,
कि सपने देखने से कोई ख्वाब नहीं पूरा होता, तस्वीरों में साथ खड़ा रहने वाला मुसीबतों में साथ नहीं देता, और घर की क्या जिम्मेदारियां होती है उस लड़के से जाके पूछो जिसके सिर पे बाप का हाथ नहीं होता।